हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोरी स्टडीज। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 10 लाइंस शॉर्ट एसे ऑन क्रिसमस इन इंग्लिश। इंग्लिश में मैं आज आप सभी के साथ 10 लाइन का छोटा सा एसे शेयर करूँगी, जो कि हम क्रिसमस पर आज जानेंगे। 10 लाइन के छोटे से निबंध में आज आप सभी के साथ क्रिसमस क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है और यह किस धर्म का त्यौहार है, ये सब आप सभी के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं, वह सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो लोग ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 10 लाइंस एसे ऑन क्रिसमस इन इंग्लिश। 10 लाइंस ऑन क्रिसमस। क्रिसमस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चैनिटी, यानी कि क्रिसमस यह ईसाई धर्म के लोगों का त्यौहार है। इट्स सेलिब्रेटेड ऑन 25th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर, हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड टू कमामोरेट द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। क्रिसमस को हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम जीसस क्रिस्ट का बर्थडे मना सके। जीसस क्रिस्ट के बर्थ एनिवर्सरी को क्रिसमस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा अहम त्यौहार है ईसाई धर्म के लोगों का, जिनके गुरु या फिर जिनके भगवान जीसस क्रिस्ट थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी को क्रिसमस के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है क्रिश्चियन धर्म के लोगों द्वारा। क्रिसमस इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। क्रिसमस इस दुनिया भर का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, क्योंकि जो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वहाँ पर ईसाई धर्म बहुत ज़्यादा मान्यता में है, और इसीलिए यह त्यौहार पूरी दुनिया में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। यानी कि सारी कंट्रीज में यह त्यौहार बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, और दिसंबर की और न्यू ईयर ईव की छुट्टियां दी जाती है स्कूल्स द्वारा, कॉलेजेस द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ द्वारा, जिससे बच्चे अपने माता पिता के साथ अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने जाते हैं, प्लान्स बनाते हैं और क्रिसमस ईव को और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, ऑन दिस डे पीपल सिंग, डांस एंड मीट ईच अदर। इस दिन सारे लोग, इस समाज के लोग भी और जो अदर कास्ट के लोग हैं, वह सभी लोग एक साथ मिलते हैं, गाते हैं, नाचते गाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। इस दिन क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज, कई बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे, माता पिता सेंटा क्लॉज बन के अपने बच्चों के लिए, अपने नेबर्स के बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स का इंतज़ाम करते हैं, जिससे बच्चों में बहुत ज़्यादा बच्चे त्यौहार के लिए एक्साइटेड रहते हैं। इट्स वन ऑफ द फेवरेट डेज ऑफ चिल्ड्रन। मैंने बताया ना, बच्चे इस दिन का बहुत इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जो बड़े होते हैं वह क्रिसमस मतलब सेंटा क्लॉज बनते हैं और बच्चों को इस दिन गिफ्ट देते हैं। क्रिसमस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्समस बिकॉज बोथ हैविंग द सेम मीनिंग। क्रिसमस को एक्समस भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों का ही मतलब सेम है। यह एक ट्री के जैसे होता है, एक्समस ट्री बनाए जाते हैं, और क्रिसमस ट्री बोलो या एक्समस ट्री बोलो, बनाए जाते हैं, जिस पर गिफ्ट्स टंगा दिए जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जाता है क्रिसमस ट्री को। पीपल आर एंड स्पेशली चिल्ड्रन ईगरली वेट फॉर सेंटा क्लॉज टू विजिट देयर हाउस। बच्चे और लोग मतलब बड़े भी छोटे लोग भी हो या फिर बच्चे हो, बहुत ज़्यादा स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं सेंटा क्लॉज का, ताकि वो अपने घर में उनके घर में आए। मतलब सब लोग अपने अपने घरों में ऐसे पेड़ लगा देते हैं और सेंटा क्लॉज आता है और उनके उस पेड़ के नीचे उनके लिए गिफ्ट रख के चला जाता है। सो दोस्तों, बच्चे इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हाउसेज एंड अपार्टमेंट्स आर डिज़ाइंड विथ क्रिसमस ट्रीज एंड मैनी कलर लाइट्स ड्यूरिंग क्रिसमस। बहुत सभी घरों में लाइटिंग लगाते हैं, बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, बहुत सारे ऐसे पेजो क्रिसमस ट्री होता है वो अपने घर में ला के सजाते हैं उसे अच्छी तरह, बहुत सारे लाइट से, कलर से, क्रिसमस के दौरान। द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, हारमोनी, पीस एंड ब्रदरहुड। जो फेस्टिवल है क्रिसमस का, यह पूरी दुनिया भर में मैसेज स्प्रेड करता है, यानी कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज देता है प्यार का, हारमोनी का, शांति का और भाईचारे का। इस तरीके से यह त्यौहार बहुत ही ज़्यादा अहम है, और हम सभी को इस त्यौहार को बहुत इज्जत से और बहुत ही ज़्यादा लव और पीस के साथ मनाना चाहिए। सो दोस्तों, इसी के साथ 10 लाइन का छोटा सा इसे यहाँ पे ख़त्म होता है। आप लोग में से जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट्स ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू पंडोली स्टडीज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।